महाराष्ट्रात येऊन मराठी सन्मानाची भाषा केली जाते. तुम्ही पानं उलटून पाहिली तर राहुल गांधी वीर सावरकर यांचा अपमान करतायत. फक्त राजकारणाच्या वेळी बाबासाहेब आंबेडकर यांची आठवण काढली जाते असं म्हणत केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांनी काँग्रेसवर टीका केली आहे. आम्हाला अभिमान आहे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली डॉक्टर आंबेडकर यांच्या स्मारकाचं काम सुरू केलं गेलं आणि माझं सौभाग्य आहे की इंदू मिलची जागा देण्यासाठी मी महाराष्ट्राच्या विधानसभेत गेले असं प्रतिपादन स्मृती इराणी यांनी केलं आहे. श्रीगोंदा विधानसभा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार माजी मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्या प्रचारार्थ श्रीगोंदा इथे आयोजित करण्यात आलेल्या सभेत त्या बोलत होत्या. यावेळी व्यासपीठावर माजी मंत्री सुरेश धस यांच्यासह अन्य उपस्थित होते. त्यावेळी स्मृती इराणी यांनी महाआघाडीवर जोरदार टीका केली आहे. महाराष्ट्र में आकर मराठी सम्मान के बारे में बोलते हैं, आप अगर पन्ने पलट कर देखेंगे तो पाएंगे कि राहुल गांधी स्वयं वीर सावरकर का अपमान करते हैं. बाबा साहब को याद करते हैं मात्र तब जब उनकी राजनीति को मंजूर होता है. ये तो तप रहे हैं हमें देवेंद्र फडणवीस पर कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लिए स्मारक बनाने की जगह का काम अपने नेतृत्व में शुरू किया. मेरा सौभाग्य कि वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से इंदू मिल की जमीन देने मैं स्वयं महाराष्ट्र के विधानसभा गई. वर्षों वर्ष महाराष्ट्र ने खून बहाया, पसीना बहाया, न्याय महाराष्ट्र के साथ नहीं किया, लेकिन हां तिजोरी लूटने के लिए पहली कतार में जाकर खड़े हो गए. तिजोरी तो छोड़िए, जब राष्ट्र के सम्मान की बात आई, सुरक्षा की बात आई, तब भी कांग्रेस और एनसीपी के नेताओं का क्या रुख था उसे आप भली भांति जानते हैं. याद कीजिए वो दिन मुंबई का, पाकिस्तान से आतंकवादी आए, उन्होंने रात के अंधेरे में मुंबई में कितने हिंदुस्तानियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई. गोली चलाने से पहले ये नहीं पूछा हिंदू है, मुसलमान है, मराठा है, गुजराती है, बस गोली इसलिए चलाई क्योंकि रास्ते पर चलने वाला वो व्यक्ति हिंदुस्तानी था. पूरा राष्ट्र स्तब्ध था. ये चार पांच लड़के आए और मुंबई पर इन्होंने धावा बोला और दिल्ली में चुपचाप बैठकर कांग्रेस और एनसीपी के नेता तमाशा देखते रहे.